हेलो स्टूडेंट, मैं उषा मुथा, प्रवक्ता CDDM GWPC जोधपुर। आज हम CD 128 यूनिट 3.2 कॉलर के बारे में जानकारी लेंगे। कॉलर परिधान का वो हिस्सा होता है जो हमारे नेक के चारों तरफ कवर होते हुए हमारे गर्दन को सेफली रखता है। कॉलर का प्रयोग हम बहुत से परिधानों में करते हैं, जैसे शर्ट, कोट, ब्लाउज, जैकेट, फ्रॉक, टॉप इत्यादि। समय के साथ कॉलर का स्टाइल बदलता रहता है। बेसिकली कॉलर तीन प्रकार से बनाई जाती है, स्टैंड कॉलर, फ्लैट कॉलर, रोल कॉलर, और इन्हीं के माध्यम से कॉलर का स्टाइल बदलता है और हम उनको परिधानों में समय के साथ यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंड कॉलर। स्टैंड कॉलर गले के चारों ओर स्टिफ बैंड के साथ फिट होती है। ये कंधे पर लेटी हुई नहीं होती है, इसलिए इसको स्टैंड कॉलर कहते हैं। इसका प्रयोग कोट, जैकेट, कुर्ते में होता है। यह नेहरू कट स्टैंड कॉलर, इसका प्रयोग नेहरू जी की जैकेट में किया गया था, इसलिए इसका नाम नेहरू कॉलर रखा गया। इसका प्रयोग जोधपुरी कोट और शेरवानी में भी किया जाता है। फिर मैनेड्रियन कॉलर। मैनेड्रियन कॉलर चाइनीज कॉलर के नाम से जानी जाती है। इसका प्रयोग जैकेट, कोट, लेडीज टॉप, लेडीज कुर्तों में किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैट कॉलर। यह हमारे परिधान के गले में चारों ओर कंधे को कवर करती हुई लेटी हुई होती है। यह साधारण लुक में नज़र आती है। यह दो पीस में या वन पीस में बनाई जा सकती है। इसमें सबसे पहले पीटर पैन कॉलर, इसे बेबी कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। यह दो पीस में बनाई जाती है। इसको आगे से गोलाई में या पॉइंट में शेप देते हुए पीछे बटन ओपनिंग के साथ जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग बच्चों के परिधानों में, टॉप में, गाउन में किया जाता है। फिर है कैप कॉलर। यह दिखने में हमें पीटर पैन जैसी लगती है, पर इसकी चौड़ाई उससे ज़्यादा होती है। ये वन पीस में बनाई जाती है और ये हमारे कंधे को कवर करते हुए पीछे से आगे की ओर जोड़ी जाती है। आगे यह कई शेप में बनाई जा सकती है, जैसे ओवल शेप में, स्क्वायर शेप में, वी शेप में, राउंड शेप में इत्यादि। इसका प्रयोग हम बच्चों के परिधान में, फ्रॉक में, टॉप में, गाउन में कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल कॉलर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये कॉलर रोल होकर हमारे गर्दन को कवर करती है। यह स्टैंड के साथ तथा बिना स्टैंड के भी बनाई जा सकती है।
इसका प्रयोग विभिन्न स्टाइल में विभिन्न परिधानों में किया जाता है, जैसे शर्ट, कोट, जैकेट, टॉप, ड्रेसिंग गाउन इत्यादि। इसमें सबसे पहले शर्ट कॉलर, यह फॉर्मल कॉलर के नाम से भी पहचानी जाती है। यह बेसिक शर्ट कॉलर कहलाती है। इसका प्रयोग स्टैंड के साथ फॉर्मल शर्ट में किया जाता है। यह कई आकार में बनी हो सकती है, आगे से पॉइंटेड विद बटन वाइड स्टैंड के साथ बनाई जा सकती है, और बिना स्टैंड के ये कॉलर बुशर्ट में, कुर्ते में, टॉप में भी प्रयोग की जाती है। फिर नेक्स्ट है सेलर कॉलर। जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है कि यह जहाज पर काम करने वाले जहाज पर काम करने वाले सैनिकों की ड्रेस पर बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम हमने सेलर कॉलर रखा। इसका प्रयोग फैशन के अनुसार बच्चों की परिधान में, लेडीज टॉप में, फ्रॉक में, गाउन में किया जाता है। फिर है कन्वर्टेबल कॉलर। कन्वर्टेबल कॉलर, यह कोट, सफारी सूट में ज़्यादा प्रयोग होती है। ये कुछ डिफरेंट स्टाइल की कॉलर है जो फैशन के अनुसार हम अपने परिधानों में काम में ले सकते हैं, जैसे जॉबेट कॉलर। जॉबेट कॉलर जो होती है वो आगे से फ्रिल की तरह हमें नज़र आती है। यह स्टैंड कॉलर के साथ में फ्रिल बनाकर बनाई जाती है। इसे एलिजाबेथ कॉलर भी कहा जाता है। रफल कॉलर, इसके अंदर रफल बनाकर नेक पर जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग टॉप में, गाउन में किया जाता है। पोर्टिन कॉलर, ब्रेथा कॉलर, काउल कॉलर और डिटेचेबल कॉलर। काउल कॉलर जो है वो परिधान के साथ में ही उसको इरेज करते हुए बायस काटा जाता है। पहनने के बाद ये हमें फोल्ड हुई भी नज़र आती है। देखने में ये हमें गाय के गर्दन की तरह नज़र आती है। डिटेचेबल कॉलर, यह अलग से बनाई जाती है और परिधान में नेक लाइन पर इसको यूज किया जाता है। ये ऐसे परिधानों में यूज होती है जिनके अंदर हमें लेस का प्रयोग करना हो या डेकोरेटिव बीड्स है, एम्ब्रॉयडरी है, इनका प्रयोग करना हो तो इन कॉलर को यूज किया जाता है। ऐसी कॉलर हम हटाकर परिधान को आसानी से धो सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई कॉलर की जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।